अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और यहां से सफ़र जो है वो कराची का है। और कराची के लिए मैंने PIA का इंतखाब किया था, बल्कि आगे भी दमिश्क के लिए भी PIA ही है। और PIA का जो है एक पैकेज जो है वो मिला था, जिसके थ्रू आपको मैं साथ साथ एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ। ये नया एयरपोर्ट बना जनाब, यहाँ पर आपको नेशनल इंटरनेशनल हर तरह की फ़्लाइट मिलती है। और दिलचस्प बात यह है कि पहले जो पुराना एयरपोर्ट था बहुत छोटा था, उसमें बामुश्किल 3 से 4 फ्लाइट जो है बैक वक्त लैंडिंग कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर अब ये जो नया एयरपोर्ट बना है इसके ऊपर आप 15 से 16 फ्लाइट्स जो हैं बैक वक्त यहाँ से खड़ी भी हो सकती हैं, रवाना भी हो सकती हैं और उनकी आमद भी हो सकती है। और ये इलेक्ट्रिक सीढ़ी है जनाब, जिस पर आप चलते हुए आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मूव भी करके दिखाता हूँ। तो ये एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का इंटरनेशनल, जो इस्लामाबाद से तकरीबन थोड़ा शहर से बाहर है 30 किलोमीटर। लेकिन बहरहाल अब इसके पास आदि आबादी जो है वो बहुत करीब आ चुकी है। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आपको जहाज़ के लिए खुला डुला यानी कि माहौल है यहाँ पर उतरने का, लैंड करने का। इसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में 2 हादसा मुख्तलिफ एयरब्लू का और बोझा एयरलाइन का वाक़ हो चुका था। ये जो मंसूबा था बेसिकली मुशरफ दौर में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो मुकम्मल हुआ वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में हुआ। अब यहाँ से फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। आप देखते जाए मेरे अकल में जो है यहाँ पर जहाज़ आके ठहरते रुकते हैं और हम यहाँ से अपने PIA के जो गेट नंबर है उस तरफ जा रहे हैं, ताकि वहाँ से जो है अपनी फ्लाइट का इंतज़ार करें, जो कि 10 बजे है दिन, यानी कि आज 6 अगस्त है और सुबह 10 बजे की यहाँ से फ्लाइट है। उसके बाद हम पहुँचेंगे, अल्लाह भला करे, कराची। कराची जो हमारी पहुँचने का टाइमिंग है वो दिन 12 बजे है। तो बहरहाल यहाँ से मैं उस तरफ पहुँच गया हूँ जहाँ पर आप मेरे कमरे देख सकते हैं। ये जगह है जहाँ पर PIA के मुसाफिर जाए, उनके लिए ये वाला गेट बॉक्स किया गया। यहाँ से जो हम आगे रवाना हो सकेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त शानदार एयरपोर्ट है जी, बहुत शानदार। और यहाँ पर ये है कि आपको जो मुझे टिकट पड़ा है तकरीबन जनाब, PIA का जो पैकेज पड़ा है वो आप कह सकते हैं 1,20,000 रुपये लगे यहाँ से कराची, कराची से फिर दमिश्क, दमिश्क से फिर वापस और फिर यहीं पर। अमूमन जो वापस सीरियन एयरलाइन जाती है उसके भी चार्जेस हैं वो अच्छे खासे हैं, यानी उतने ही चार्जेस में आपका फिर जी। अगले महाज का जी आगाज़ हो गया है, अगले सफ़र का आगाज़ हो गया जनाब, और हम मूव कर रहे हैं फ्लाइट की तरफ। और ये मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं आप फ्लाइट कब निकली और हम जा रहे हैं आज की तरफ। देखो भाई, वो मुसाफिर हजरात जिनके सीट नंबर 10 से लेकर 20 तक है उनसे गुजारिश है आज को तशरीफ लेने। शुक्रिया।
फाइनली हम कराची पहुंच गए और ये देख सकते हैं यहाँ से अपने बैगेजेस उठाएं और हमारी जो फ़्लाइट थी दमस्कस की वो जो है जनाब ताखिर का शिकार हो गई है। वो रात 3:30 निकलनी थी लेकिन अब पता चला है कि वो जो है सुबह 7:30 यानी कि कल सुबह 7:30 यहाँ से रवाना होगी और वो फ़्लाइट तकरीबन है कोई 5-1 घंटे की है और वापसी की फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 4 घंटे की है। ये थोड़ा सा मेरे लिए भी सरप्राइज था कि आखिर हुआ क्या है कि जाते हुए 5 घंटे और वापसी पे 4 घंटे, 1 घंटा कहाँ से कम हुआ। खैर और कुछ दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि रूट जो होते हैं फ़िज़ाई रूट उनका भी फ़र्क होता है, बाज़ अवकात आपको रूट जो है थोड़ा सा लंबा लेना पड़ता है तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है, वापसी पे आपको रूट ज़रा शॉर्ट पड़ेगा, तो इसलिए। खैर जनाब कराची पहुँच गए, कराची में इंशाल्लाह आपसे गपशप जा जाएगी। अब बैगेज उठाते हैं, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।